अगला अध्याय, उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उन श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्दासित हो रही थीं। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थीं। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी हैं। सबके संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंग में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह ना देख सकें, तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सकें। इसके बाद देवता बोले, अंबिके, महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष के पुत्री रूप में अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधाराईं। इससे भगवान हर को बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशानी, शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जावे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसे कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं और मुनियों, तुम सब अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मुंह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देखकर मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं,
भगवान रुद्र की भी यही अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा परिग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं को देखते देखते ही अदृश्य हो गईं और तुरंत अपने लोक में चली गईं। तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए।